अस्पताल पीवीएम की हालत खस्ता है। लापरवाह प्रशासन को जगाने के लिए अब जनता ने बीड़ा उठाया है। प्रशासन को जगाने के लिए चाहे स्वच्छता हो या बिगड़े हालात, इन सब को लेकर युवाओं ने अब हॉस्पिटल को ठीक करने का बीड़ा उठाया है। लेकिन हालात इतने खराब हैं कि मरीज परेशान नजर आ रहे हैं। संवाददाता रौनक इस बीच हमारे साथ बीकानेर से लाइव जुड़ चुके हैं। रौनक, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि अब स्थानीय लोग और जो तीमारदार हैं वो आगे आए हैं। सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल पीवीएम गंदगी का अंबार रहता है, डॉक्टरों की कमी रहती है, तमाम लापरवाही सामने आती है। क्या कुछ उद्देश्य है इनका ये बीड़ा उठाने के पीछे, और अगर हम अस्पताल प्रशासन की बात करें तो क्या रुख देखने को मिल रहा है उसका? जी बिल्कुल, देखिए पूरे बात करें, पूरे संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल पीवीएम हॉस्पिटल है, और उसके हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि अब बीकानेर के युवाओं ने आगे आकर के तमाम जो बिगड़े हुए हालात है उसको सुधारने का बीड़ा हाथ में लिया है। वो तमाम लोग मेरे साथ मौजूद, मैं बात करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ क्या ऐसा दिमाग में आया कि हॉस्पिटल के हालातों को सुधारा जाए, क्या बीड़ा उठाया आप लोगों ने? भाई तकरीबन आज से 20 दिन पहले हम किसी दोस्त की वाइफ की डिलीवरी थी तो वहाँ पर गए हुए थे। हालात शौचालय के इतने थे, उस गैलरी में खड़ा होना बड़ा मुश्किल था, शौचालय में जाने की बात दूर की थी। इसीलिए हमारे जो मोहन सिंह वेलफेयर सोसाइटी है उसने बीड़ा उठाया और तकरीबन कल 300 युवाओं ने पूरे जनान हॉस्पिटल की सफाई की, और जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप जाकर देख सकते हो, आज शौचालय वगैरह पूरी जो हॉस्पिटल में गंदगी का नामो निशान नहीं है। आप लोगों ने शिकायत की होगी प्रशासन से, अधिकारियों से, जो हालात है अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, कि आप क्या कहेंगे? भाई पीवीएम की व्यवस्था है वो किसी से भी छुपी भी नहीं है। हमने 20 दिन पहले लाइट व्यवस्था के लिए अधीक्षक साहब को ज्ञापन दिया था, उसमें भी 60-70% लाइटें स्टार्ट हो चुकी है, और उसके बाद हमने जब पीवीएम के अंदर निरीक्षण किया तो उसमें भी सफाई की व्यवस्था ऐसी हो रही थी कि अंदर जाना ही दूभर हो रखा था। इसलिए हमने उसकी भी अधीक्षक को शिकायत की, और फिर जब काम नहीं हुआ तो हम सब युवाओं ने एक साथ ठान के सफाई का निर्णय लिया। जो आप युवाओं की टीम आगे क्या किस तरह से काम करेगी, और दूसरा ये कि क्या आप लोगों ने इसको लेकर कोई रिपोर्ट पेश की है? जो कल मोहन सिंह जी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पीबीएम में साफ सफाई का काम किया गया था वो एक जनता को चेताने के लिए किया गया था कि आगे भी वो साफ सफाई रखे, और इसमें हमने प्रशासन को भी ज्ञापन दे के बताया है कि अगर आगे इस प्रकार की स्वच्छता नहीं रखी गई तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा और प्रशासन को भी चेताया जाएगा। तो पहले तो स्वच्छता का संदेश दिया गया, और प्रशासन काफी लंबे समय से ये साफ सफाई अपनी व्यवस्था नहीं रख रहा है। पंजाब और हरियाणा से भी जो है पेशेंट यहाँ पहुंचते हैं, कैंसर ट्रेन यहाँ पर चलती है, किस तरह से आप लोग देखते हैं इस तरह के हालात? सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं चिंता का विषय यह है कि यहाँ के हालात, इसे मरीज के जो परिजन आते हैं उनको रह नहीं पाते हैं, उनके रहने के लिए सुचारू व्यवस्था नहीं है, और गंदगी इतनी है कि वो 10 मिनट अगर गैलरी में बैठ जाए तो हालात दुश्वार है, और गंदगी सारी जगह फैला रखी है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी देखिए, युवाओं ने बीड़ा तो उठाया है, लेकिन चूंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वक्त लगेगा, लेकिन प्रशासन को चाहिए एक सीख लेने की कि कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पहुंचते हैं, मरीज के परिजन, मरीज वो परेशान ना हो, कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक जागरूक जनता जो है उसका कदम ये माना जा सकता है। जी बिल्कुल रौनक, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए, पूरी तस्वीरों को दिखाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं अलवर में।